नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक बार हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी वीडियोस हमारा यूट्यूब पे आ चुका है अभी तक, 20-25 वीडियोस। एनजीओ पे हमने बनाया, गोल्ड पे हमने बनाया, स्क्रैप्स के बारे में हमने बनाया। तो इन सब वीडियोस को देख के पब्लिक का और भी इस पर कमेंट और क्वेश्चन आ रहा है कि अलग अलग टॉपिक पे कि हाँ और भी थोड़ा वीडियोस बनाइए। तो उसमें आज एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट में रोल करता है और बहुत पूरे कंट्री में ही इसका एक पार्टिसिपेशन है। नाबार्ड जो इसको मैक्सिमम सपोर्ट करता है और दिखाता है कैसे काम करना है नहीं करना है। तो कम से कम नाबार्ड के पास जो डाटा है इसमें 2.3 मिलियन जो है अभी तक SHG ग्रुप जो है हमारे इंडिया में काम कर रहा है और 33 मिलियंस लोग ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट और अलग अलग जगह। तो ये था सेल्फ हेल्प ग्रुप का स्ट्रक्चर। अब थोड़ा बात कर लें कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या क्या इसका रोल है। तो ये जो है किसी भी एक तरह के व्यक्ति, यानी सपोज कीजिए कोई लेबर का काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन लेबर का, तो उसमें रिलेटेड 5-6 लोग या 7 लोग, या मान लीजिए कोई ऑफिस है तो उससे रिलेटेड, एक ही फील्ड से रिलेटेड लोग मिलके मिनिमम 7 मेंबर चाहिए होते हैं और मैक्सिमम 20 इसका लिमिट होता है। मिलके जब कोई एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें ये क्या करते हैं कि अपना एक कंट्रीब्यूशन करते हैं, मान लीजिए रोज़ का 10 रुपये हो गया या रोज़ का 50 रुपये हो गया, ऐसे करके ये अपना पैसा जो है उसमें सेविंग करते हैं। और जितने भी मेंबर होते हैं इसमें, वो चाहे तो कोई एक भी एक महीने के बाद इसमें एक एप्लीकेशन करके या जो फॉर्मेट होता है ये डिसाइड करते हैं उस पर करके उसमें से पैसा अपना विड्रॉल कर सकते हैं। सपोज कीजिए 10 लोगों ने मिलकर 10-10 रुपये जमा किया पूरे महीने में और किसी एक व्यक्ति को या एक महिला को उस पैसे की ज़रूरत है, तो सारे लोग मिलके उस महिला को वो पैसा उसमें से एज ए लोन देते हैं। और इसका जो अमाउंट है सब्सिडी मान लीजिए गवर्नमेंट से मिलता ही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है काफ़ी लो होता है, आपस की बात होती है, तो इसलिए इनका इनकम ज़्यादा नहीं होता सेल्फ हेल्प ग्रुप का। मगर हाँ, जिसको ज़रूरत पड़ता है उसको उसमें से पैसा मिलता है। ये तरीका से ये लोग काम करते हैं और इसमें मैक्सिमम महिलाओं का ही ग्रुप इंडिया में ज़्यादा होता है। और इसमें देखिएगा बहुत बड़े बड़े कंपनी आजकल, जैसे रिलायंस हो गया, आपका टाटा हो गया, ये भी बहुत तरीके से इन लोगों को फंडिंग देते हैं छोटे छोटे व्यापार के लिए या प्रॉब्लम कोई आता है तो उसके लिए इनको आगे बढ़ाने में। नाबार्ड इनको बहुत हेल्प करता है लोन देने में या इनका स्ट्रक्चर खड़ा करने में, इनको कॉरपोरेट तरीके से पेश करने में, तो नाबार्ड का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इसका प्रोसेस चाहे तो आप रजिस्टर्ड करके भी कर सकते हैं और अनरजिस्टर्ड करके भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपने 7 लोगों का ग्रुप बना लिया या 10 लोगों का ग्रुप बना लिया, उसमें सबको आपने पोस्ट अलॉट कर दिया, किसी को कैशियर बना दिया, किसी को प्रेसिडेंट बना दिया, किसी को सेक्रेटरी बना दिया, किसी को ट्रेजर बना दिया और एक नाम दे दिया और एक एड्रेस दे दिया कि हाँ यहाँ पर हमारा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता है, और उसको आपने NGO दर्पण में प्रमोट भी कर दिया, रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। और उसके बाद चाहे तो आप बैंक में जाके, मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होता है, 2 मेंबर का साइन चाहिए होता है, आप इसके नाम से बैंक में अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और अपना पैसा जो है, जो पैसा कलेक्शन आपका होता है वो पैसा चाहे तो आप बैंक में रख भी सकते हैं। इस तरीके से ये काम जो होता है करते हैं। और गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है, जैसे बहुत सारा अभी आया, जैसे लेटरिन बनाने का, बाथरूम बनाने का, या पैसा डिस्ट्रीब्यूशन का, या सब्सिडी का पैसा डिस्ट्रीब्यूशन का, या मान लीजिए गैस का, तो गवर्नमेंट भी इन सब संस्थाओं को प्रमोट करती है, इनको खोजती है अपना जो पॉलिसी और प्रोसीजर है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट भी इनको पैसा से या सब्सिडी से इनको हेल्प करती है ताकि गरीब के हर एक स्तर तक ये काम हो पाए और गवर्नमेंट को भी इसका लाभ मिल जाए। सबसे बड़ा अभी तक जो चेन है वो इंडिया में ही काम करता है ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का, बहुत बड़ा चेन है। और रिलायंस का इसमें आजकल बहुत बड़ा योगदान है, काफ़ी सामने खुल के आ रहे हैं वो लोग इस चीज़ में पैसा लगाने के लिए और काम देने के लिए। हाँ, मगर एक चीज़ आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, अगर आप तरीके से करते हैं तो ये काम करता है, अगर अच्छा है कि आप शुरुआत करें और 1-2 महीना बाद हो जाए, उसके बाद इसको एज ए सोसाइटी में, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसी स्टेट में एज ए सोसाइटी में इसको कन्वर्ट करें, ताकि स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत सारा लोकल है
चालू हो जाए। ये तरीके से, ये रजिस्टर्ड तरीके से भी काम होता है। इसमें बोलने वाली चीज़ें बात है काम करते हैं।